तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये आटा हमारा रेडी हो चुका है रोटी पकाने के लिए। थोड़ा सा बाकी इसमें मसाज करना, तो अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया दोस्तों, अब रोटी बनाने के लायक हो गया है वो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैंने पानी कैसे दिया था, तो आप मेरे पीछे की वीडियो देख सकते हो। ये हमारा पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सूखा आटा लेंगे दोस्तों। ये सूखा आटा मैंने लिया है, इसको लगाने के लिए सूखा आटा लेना पड़ता है दोस्तों। तो ये सूखा आटा ले लिया मैंने, और रोटी बनाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये तो आप अपनी भाषा में जानते होंगे इसे क्या बोलते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है, तो अब हम अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने पूरा सेटअप लगा दिया है। ये आटा भी मैंने गूंद कर तैयार कर लिया है, पीट सूखा आटा भी लिया है। फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, फिर तवे की ज़रूरत पड़ेगी, आप जानते होंगे। अब देखते हैं कि हमने जो भाजी डाली थी सब्जी बनाने के लिए, वो कितनी हुई है हम अब देखते हैं। तो हम उसके लिए चमचे का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ये काफ़ी डेंजर रहता है। तो आपके पास जैसे वो होगा चमचा, ये इसे बोलते, इसका इस्तेमाल की चेक करने के लिए। तो हम चेक करेंगे, तो ये आप देख सकते हो कि अभी थोड़ी बाकी है। तो हम इसे 5 मिनट और रहने देंगे यहीं पर, और हम इसे फिर से ढक देंगे। तो आइए अब हम रोटी बनाते हैं। सबसे पहले आप तवा चूल्हे पर रखकर गैस चालू कर दीजिए अपना, तब तक वो गर्म होगा। हम जब तक एक रोटी बनाकर दिखाते हैं आपको। तो हम एक रोटी इतना आटा लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोटी कितनी बड़ी बनाते हो। तो आप देख सकते हो कि इसको ऐसे गोल गोल घुमा लेने से आप इसको शेप में लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये शेप में लग गई। अभी जो अपन ने जो सूखा आटा लिया था, तो अब इसमें अपन देखिए, ये सूखा आटा, इसमें अपन इसको थोड़ा रौंद लेंगे। इससे क्या होता है कि वो आपके बेलन जो इसको चिपकती नहीं है ये रोटी, और अच्छी बनती है। तो इसका इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है सूखे। ये हमारा सूखे में अपन ने रौंद लिया। अब इसको हम ये इसको क्या बोलते तुम्हारी भाषा में पता नहीं, ये बेलन है, हम बेलन बोलते हमारे भाषा में। अब इसको हम बनाएंगे रोटी। तो आइए दोस्तों अब बनाते हैं। तो देखिए मैं किस तरह बनाता हूँ, आप इसे घुमाते जाइएगा घुमाते जाइएगा, ये आपकी रोटी बन जाएगी। अभी अगर देखिएगा मैं किस तरह बना रहा हूँ। अगर आप तेल की बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आप इससे तेल भी लगाकर और भी अच्छी बना सकते हो। जो तेल की रोटी जो आती है वो काफ़ी स्वादिष्ट लगती है, तो आप तेल भी लगा सकते हो। मैं भी ऐसी ही बना रहा हूँ बिना तेल की। मेरे पास तेल लेने के लिए पैसे नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं तेल की नहीं बना रहा हूँ।
तो दोस्तों ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। मैं आपको और अच्छी तरह से दिखाता हूँ, ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। आप अगर चाहो तो इससे भी बारीक बना सकते हो, तो उसके लिए आपको जो आटा है वो कम लेना पड़ेगा, छोटा गोला लेना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको तवे पर डालकर सेक कर दिखाऊंगा। मैंने गैस हमारा बंद हो चुका है, मैं गैस भी चालू करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए मैं गैस चालू कर रहा हूँ, मेरा ये मेरा गैस चालू हो गया है। मैं इसी स्पीड में बढ़ा दूंगा और अब मैं रोटी डाल के दिखाऊंगा आपको। तो गाइस मैंने इसे अपने हाथ पर ले लिया है और अब मैं इसे डालूंगा। ये मैंने इसे तवे में डाल दिया है, तो देख सकते हो आप एक इतनी स्पीड से हो रही है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये इसमें एक और अगर आप इसमें तेल डालते हो तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाती है। इसे तुरंत ही पलटाना है दोस्तों, वरना ये जल जाएगी। दोनों तरफ से अपने को बनाना है इसे। ये देख सकते हो आप कितनी शानदार दिख रही है। मैं और इसे पलटा लेता हूँ। देख सकते हो दोस्तों अपनी रोटी अभी 80% 80 तक बन गई है। तो दोस्तों ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है, देख सकते हो आप। मैंने इसे यहाँ रख दी। अब हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और दूसरी ये सारा पीठ है इसकी सारी बनाएंगे, ठीक है।